सीतामढ़ी राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय में शिविर आयोजन की गई। कुल 700 केस का निपटारा, जिसमें कि 500 केस बैंकिंग केस और 200 कोर्ट केस है। सभी केसों का किया गया निष्पक्ष निपटारा। देखिए आगे क्या कुछ कहा मुख्य न्यायिक रेशमा वर्मा ने दी मीडिया को जानकारी। सीतामढ़ी से ब्यूरो रिपोर्ट कुल रंजन झा के साथ। लोक अदालत का आयोजन किया गया है, तो आज सुबह जब 10:30 से 4:30 तक लोक अदालत का आयोजन हुआ है, तो इसमें हमारे लोक अदालत में जो 7 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें न्यायाधीश थे, उनके द्वारा करीब बैंक संबंधित केसों में 500 केसों का ये निपटारा किया गया है, जिसमें सेटलमेंट अमाउंट भी 3.5 करोड़ के राशि की वसूली की गई है। और साथ ही पोस्ट लिटिगेशन केसेस में जो हमारे न्यायालय में जो केस लंबित थे, उसमें 200 से अधिक केसों का निपटारा किया गया है। और हमारे जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन केसों का निपटारा किया जाता है, वो पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाता है, जिनमें समझौता हो चुका होता है, और इसमें पक्षकार का कोई खर्च नहीं लगता, इसमें कोई अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है। पक्षकार बेंच के सामने उपस्थित होते हैं और उनका वाद अगर समझौता हो चुका है तो बिना किसी खर्च के उनका निपटारा किया जाता है। बिना किसी खर्च का निपटारा किया जाता है। और इस बार जैसे मैं जानना चाहेंगे कि जो लोक अदालत में जो लोग आए हुए थे, उनमें से सब लोग का जैसे केस का निष्पादन हुआ है, इसमें कितने की जनसंख्या में जैसे निष्पादन हुआ है, हम ये जानना चाहेंगे। हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत में आज काफी भीड़ भाड़ थी। मैं जब बाहर गई, जहाँ लगा हुआ है, वहाँ पर जितने भी लोग आए हैं और जिनका मामला में समझौता हो चुका था, उन सभी का मामला का निष्पादन किया गया है। मेरे हिसाब से राष्ट्रीय लोक अदालत काफी सफल रहा है। जो भी लोग आए हैं, उनका निपटारा हुआ है। और जहाँ तक मैं केस का आंकड़ा जो बता रही हूँ कि 500 केस बैंक केसेस हैं और 200 कोर्ट केसेस हैं, तो काफी लोग बाद का निष्पादन किया गया है। 700 केसों का निपटारा किया गया है, 500 बैंक का, 200 लोगों का, 700 केसों का निपटारा किया गया है। इस तरह से हर 2 महीने 3 महीने पे जब तक राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रोग्राम होता है, तो 500, 1000, 2000, 1000 का निपटारा होता है।